हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेबी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, और वो वीडियो लेक्चर क्या है देखें कि जैसा हेडिंग है टैबलेट कोटिंग, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कोटिंग ऑफ टैबलेट, यानी टैबलेट की कोटिंग क्या है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, और कितनी तरह की फिर कोटिंग होती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो टैबलेट कोटिंग यानी देखें, जब सबसे पहले टैबलेट्स, तो टैबलेट्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, टैबलेट्स को हम लोग कहते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, यानी सॉलिड भी होता है और यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, ठीक। और इसको जो मेथड होता है प्रिपरेशन का, वो कंप्रेशन ऑब्लिक मोल्डिंग, दो मेथड से इसको बनाते हैं, लेकिन मोस्टली जो टैबलेट्स प्रिपेयर किया जाता है वो कंप्रेशन टेक्निक से प्रिपेयर किया जाता है। अब टैबलेट कोटिंग में देखें कोटिंग क्या है, तो यहां पर पहला ही डिफिनेशन जो लिखा गया, इट इज अ प्रोसेस वेयर कोटिंग मटेरियल इज अप्लाइड टू द सर्फेस ऑफ द टैबलेट टू अचीव द डिजायर प्रॉपर्टी ऑफ डोजेस फॉर्म ओवर द अनकोटेड टैबलेट। यानी कहा गया कि एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिसमें हम कोटिंग मटेरियल अप्लाई करते हैं टैबलेट पे। तो ये टैबलेट है, इस पे अप्लाई करेंगे कोटिंग मटेरियल, और कोटिंग मटेरियल इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, इस तरह से ये एक लेयर का फॉर्मेशन। और ये लेयर का फॉर्मेशन क्यों किया, क्योंकि कोई डिजायर प्रॉपर्टी है उसको ऑब्टेन करने के लिए। अब वो डिजायर प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग एडवांटेज में देखेंगे, रीजन देखेंगे, वहां हम लोग को समझ में आएगा। तो अभी ये समझना है कि टैबलेट के चारों तरफ कोटिंग मटेरियल स्प्रेड कर दिया जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं कोटिंग ऑफ टैबलेट। ओके, ये चीज हो गया, ठीक। अब यहां जैसे नीचे देखें तो ये कोर टैबलेट है, ये टैबलेट है, इसके चारों तरफ अगर आप देखें ये जो चीज है ये क्या है, कोटिंग लेयर है, ठीक। तो कोटिंग लेयर इस टैबलेट के ऊपर अप्लाई किया गया होगा और तब जाके एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड कोटिंग ऑफ टैबलेट। अब सेकंड कह रहा है कि अप्लाई द कोटिंग सॉल्यूशन टू मूविंग बेड ऑफ द टैबलेट विद कंकरेंट यूज ऑफ हीटेड एयर टू हेल्प इन इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहां पे कह रहा है कि हम लोग जो कोटिंग सॉल्यूशन है, जिससे सॉल्यूशन जो हमें कोट करना है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, और वो सॉल्यूशन मूविंग टैबलेट, यानी जो टैबलेट है ये टैबलेट क्या करेगा, मूव करेगा। मूव सिर्फ इसलिए किया जाता है कि सरफेस रिन्यू हो जाए, यानी टैबलेट की पोजिशन है अपर। अब जब ये रिन्यू करेगा तो जो लोअर पोर्शन है ये अपर हो जाएगा, फिर अपर पोर्शन लोअर हो जाएगा। तो सरफेस रिन्यू से क्या होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा कोटिंग सॉल्यूशन का। तो कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे मूविंग बेड टैबलेट्स विद कंकरेंट यूज ऑफ द हीटेड एयर, यानी हॉट एयर भी सप्लाई करेंगे। अब हॉट एयर जब सप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट क्या होगा, वहां से इवेपोरेट होगा। यानी ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट पे कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, ये कोटिंग सॉल्यूशन इस तरह से स्प्रे होगा, ये मूव करेगा, हमारा जो टैबलेट है ये मूव करेगा, साथ ही साथ हम लोग एयर, हॉट एयर भी सप्लाई करेंगे, ठीक। कोटिंग सॉल्यूशन में क्या होगा, एक तो पॉलीमर होगा प्लस सॉल्वेंट होगा, ठीक। जिस पॉलीमर से कोट करना वो पॉलीमर होगा और सॉल्वेंट, यानी कोटिंग मटेरियल और सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना है, यानी निकालना है, तभी एक लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो इस सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हीटेड एयर या हॉट एयर यूज करते हैं। पहला पेटेंट इश्यू हुआ था सुगर कोटिंग का 1837 में पहला पेटेंट इश्यू हुआ था। सेकंड है डॉक्टर डेल रूस्टर सो मेरिट्स ऑफ एयर फ्लो इन कोटिंग 1950। अभी मैंने कहा कोटिंग एयर फ्लो, यानी जो टैबलेट्स की कोटिंग के बहुत सारे मेथड है, जब हम लोग फिल्म कोटिंग पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। तो एक सिस्टम होता है कि फ्लूडाइज कंडीशन में, यानी टैबलेट्स, जैसे मैंने कहा टैबलेट्स मूविंग होना चाहिए, टैबलेट्स मूविंग के लिए एक तो हम लोग यूज करते हैं कोटिंग पैन यूज करते हैं। इस पैन में इस तरह से टैबलेट्स होंगे और ये पैन मूव करेगा, टैबलेट्स मूव करेगा, और यहां हम लोग अप्लाई करेंगे कोटिंग सॉल्यूशन साथ में एयर। एक तो ये सिंपल सिस्टम हो गया कोटिंग पैन यूज करके, ठीक। एक टेक्निक क्या है कि हम क्या करते हैं, जो टैबलेट्स है इस टैबलेट्स को एक चैम्बर में रखते हैं और नीचे से एयर पास करेंगे। जब एयर पास करेंगे तो ये टैबलेट्स चार पूरे एयर में क्या करेगा, मूव करेगा,
यानी फ्लूडाइज कंडीशन में हो जाएगा। ठीक, तो ये रूस्टर टेक्निक इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इन्होंने मेरिट शो के मतलब बताया था एडवांटेज क्या है इस टैबलेट्स के, ये जो फ्लूडाइज कंडीशन में अगर हम कोटिंग करते हैं तो इसके एडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू द कोटिंग पेन। ठीक, एबॉट लेबोरेटरीज मार्केटेड फर्स्ट फिल्म कोटेड टैबलेट्स इन 1953, यानी एबॉट जो लेबोरेटरीज कंपनी है इन्होंने 1953 में फर्स्ट फिल्म कोटेड टैबलेट्स इन्होंने यूज किया था। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया टैबलेट्स का। अब नेक्स्ट देखें, रीजन क्या रीजन है जिससे हम लोग कोटिंग करते हैं, रीजन क्या है। जैसे कहा गया कि जो कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं डिजायर प्रॉपर्टी क्या है, कोटिंग के कुछ फायदे हैं। अब वो रीजन क्या है, पहला लिखा गया मास्क द टेस्ट ऑर्डर कलर ऑफ द ड्रग। ठीक, अब यहां पे मास्क द टेस्ट, जो जनरली जो बहुत सारे ड्रग होते हैं वो बिटर होते हैं। ठीक, कुछ बहुत नॉक्सियस होते हैं कि टंग पे आते ही वोमिटिंग कर देंगे आप। तो जो बिटर टेस्ट है अगर उस टेस्ट टैबलेट्स के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा तो अब हमें किसका टेस्ट मिलेगा, ये जो फिल्म कोटिंग है इसका टेस्ट मिलेगा, यानी टेस्ट को हमने क्या किया, मास्क कर दिया। ठीक, इसी तरह से ऑर्डर है, कलर है, इन सबको अगर मास्क करना है तो हम लोग क्या यूज करें, कोटिंग टू इंप्रूव द प्रोडक्ट अपियरेंस। प्रोडक्ट का अपियरेंस अगर अच्छा करना हो, उसको लुक वाइज अच्छा बनाना हो, उस लिए भी कोटिंग की जाती है। अब मींस कलरफुल कोटिंग कर देंगे तो कलरफुल कोटिंग करने से क्या होगा, टैबलेट क्या दिखेगा, एलिगेंट। जब एलिगेंट खूबसूरत दिखेगा तो पेशेंट एक्सेप्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन फैसिलिटेट द हैंडलिंग। ठीक, अब फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेट द हैंडलिंग। अब टैबलेट्स क्या है, जब हम लोग टैबलेट्स पढ़ते हैं तो टैबलेट्स में एक प्रॉब्लम आती है हार्डनेस की, ठीक, फ्रायबिलिटी की, यानी टैबलेट्स का अगर हार्डनेस कम है तो क्या होगा, टैबलेट्स के ब्रेक होने के चांसेस हैं जब हम हैंडलिंग करते हैं। यानी हैंडलिंग का मतलब है इम्प्रॉपर हैंडलिंग बाय द पेशेंट और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, पेशेंट द्वारा और ट्रांसपोर्टेशन द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, शॉक लगता है टैबलेट्स को, जर्क लगेगा, तो अगर हार्डनेस कम है तो टैबलेट्स के टूटने का डर है। पेशेंट एक्सेप्टेंस क्या है, पेशेंट यूज किया और उसको थ्रो करेगा, फेंक देगा रैक पे, अलमारे पे, तो इन दोनों कंडीशन में शॉक लगेगा और अगर हार्डनेस कम है तो टैबलेट्स के टूटने का डर होता है। इस कंडीशन में क्या किया कि अगर हम टैबलेट्स की कोटिंग कर देंगे तो इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन होगा जिससे टैबलेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी उसको फिजिकली प्रोटेक्ट किए और हैंडलिंग में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि अगर थोड़ी बहुत हैंडलिंग में प्रॉब्लम भी आ रही है तो टैबलेट के टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, टू प्रोवाइड केमिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट लाइक एयर, मॉइस्चर एंड लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू प्रोवाइड केमिकल प्रोटेक्शन, यानी जो टैबलेट्स हमने लिया, इस टैबलेट्स के अगर चारों तरफ हमने कोटिंग कर दी, ये कोटिंग कर दी हमने टैबलेट्स के चारों तरफ, ये जो कोटिंग किया ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब इसके चारों तरफ एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, अगर कोई ड्रग प्रोन टू ऑक्सीडेशन, अगर ड्रग ऑक्सीडाइज हो रहा है, जल्दी से ऑक्सीडाइज हो रहा है एयर के कांटेक्ट में, तो अगर हम लेयर का फॉर्मेशन कर लें तो अब केमिकल इंटरैक्शन नहीं होगा, क्योंकि एयर किसके कांटेक्ट में है, कोटिंग के कांटेक्ट में। इसीलिए जो वॉल पे देखें, जो घरों में वॉल पे पेंट हम लोग लगाते हैं, पेंट क्या करता है, वॉल की लाइफ को बढ़ा देता है। यानी अब जो एयर है, सराउंडिंग एयर, वो पेंट के कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहले क्या डिटोरी होता है, पेंट। पेंट खराब होगा उसके बाद प्लास्टर खराब होता है, यानी हम कहने क्या किया, दीवार जो का जो प्लास्टर है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमने पेंट कर दिया। यहां पे भी वही सिस्टम है कि ये जो टैबलेट्स, कोर टैबलेट्स है, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाने से अब एयर में ऑक्सीडेशन उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर मॉइस्चर आ रहा है तो मॉइस्चर अब किससे कॉन्टेक्ट होगा, फिल्म कोट से। अब कोटिंग मटेरियल से कांटेक्ट होगा तो कोर टैबलेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लाइट, फोटो ऑक्सीडेशन के चांसेस हैं, तो लाइट अब किस पे आ रहा है, फिल्म पे आ रहा है, अब कोर टैबलेट्स का फोटो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। तो ये एक तरह से जो कोटिंग है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिजिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और केमिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा।
ठीक, फिजिकल प्रोटेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, केमिकल प्रोडक्शन में ना ऑक्सीडेशन होगा इसका, ना हाइड्रोलिसिस होगी और ना ही लाइट इसको इफेक्ट कर पाएगा। तो इस तरह से कोटिंग इसीलिए की जाती है कि जो ड्रग ऑक्सीडाइज हो रहे हों, फोटो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस हैं, उनके मॉइस्चर से हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस है, इन टैबलेट्स के क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द टैबलेट्स। टैबलेट्स के रिलीज को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग कोटिंग करते हैं, सस्टेन रिलीज टैबलेट। ठीक, अब सस्टेन रिलीज यानी ये जो टैबलेट्स हमने लिया, ये टैबलेट जब जाएगा तो टैबलेट टूटता है, ब्रेक होगा, डिसइंटीग्रेशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा, जिसको डीटी कहते हैं। डीटी होने के बाद ये ड्रग को रिलीज करेगा। ठीक, अब रिलीज होने के बाद ये ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाने के बाद अपना एक्शन शो करेगा। जब ये टैबलेट टूटता है तो सारी ड्रग एक साथ रिलीज हो जाती है, जैसे 500 एमजी पैरासिटामोल रिलीज हो गया। अब हमको रिलीज कंट्रोल करना है। रिलीज कंट्रोल करने में क्या करना है कि हम जो टैबलेट्स है पैरासिटामोल, इसकी कोटिंग कर दें इस तरह से। ठीक, एक कोटिंग किया, फिर इसी तरह से पैरासिटामोल लिया और एक कोटिंग और कर दी। ये कोटिंग थिन कोटिंग की हमने और इसकी कर दी थिक कोटिंग। ठीक, और उसके बाद हमने पैरासिटामोल का पाउडर, इनको हमने कैप्सूल में फिल कर दिया। ठीक, जैसे कैप्सूल सिस्टम में डिसॉल्व होगा, ये जो अनकोटेड पैरासिटामोल है पहले रिलीज होगा, और जब ये रिलीज हो गया तो ड्रग में एक्शन शो करेगा। अब जो थिन कोटिंग थी ये 4 घंटे के बाद डिसॉल्व होगी, तो फिर पैरासिटामोल 4 घंटे के बाद रिलीज होगा, और ये जो थिक कोटिंग है ये 8 घंटे के बाद डिसॉल्व होगी, तो फिर पैरासिटामोल 8 घंटे के बाद रिलीज होगा। यानी हम रिलीज को कंट्रोल कर रहे हैं कोटिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये अनकोटेड था, ये थिक कोटिंग थी और ये थिन कोटिंग थी। तो सबसे पहले अनकोटेड रिलीज होगा, उसके बाद कौन रिलीज होगा, थिन कोटिंग रिलीज होगा, और उसके बाद रिलीज होगा थिक कोटिंग। तो अब जो ड्रग था 0 आवर 4 आवर 8 घंटे तक ड्रग रिलीज हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेन रिलीज। यानी ड्रग के रिलीज को भी कंट्रोल करना है तो हम लोग कोटिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक, एसिड रेजिस्टेंट या एंट्रिक कोटिंग इसको हम लोग बोलते हैं। अब यहां पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो एसिड लेबाइल होते हैं। एसिड लेबाइल यानी एसिड में वो डिटोरिएट हो जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन है। यानी अब पेनिसिलिन जब स्टमक में जाता है तो ये पेनिसिलिन डिग्रेडेड हो जाता है। ठीक, अब जब डिग्रेडेड हो जाएगा तो पेनिसिलिन की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक, अब ऐसे ड्रग को भी हम लोग क्या करते हैं, कोट कर देते हैं। अब जब कोट करेंगे तो ऐसा कोट करेंगे कि ये कोटिंग एसिड में डिसॉल्व ना हो, एसिड में डिसॉल्व ना हो। जब एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा तो स्टमक में जब जाएगा तो स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट है। अब जब स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, जैसे इंटेस्टाइन में जाएगा पीएच इंक्रीज करेगा, अब यहां ड्रग रिलीज होगा। ठीक, तो ऐसा कोटिंग जिसकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करे, पीएच पे, यानी लोअर पीएच पे इनसॉल्युबल हो और हायर पीएच पे सॉल्युबलाइज हो जाए, ऐसे कोटिंग को बोलते हैं एंट्रिक कोटेड। ठीक, तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स भी मार्केट में आती है। ठीक, और ये सिर्फ इसीलिए आती है, ये ऐसे पॉलीमर यूज करते हैं जो लोअर पीएच पे इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब पीएच को हम हाई पीएच करेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे, यानी स्टमक में इनसॉल्युबल और इंटेस्टाइन में सॉल्युबल। ठीक है, तो ये हो गया रीजन किसकी वजह से हम लोग टैबलेट कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज देखें इसके क्या है, तो एडवांटेज रीजन से ही निकल के आएंगे। एडवांटेज क्या है इसका, लाभ, एक तो हम लोग मास कर देते हैं टेस्ट को, ऑर्डर को, कलर को। ठीक, तो अभी इसको मैंने डिस्कस किया। इंक्रीज द स्टेबिलिटी, हम स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दे रहे हैं। स्टेबिलिटी किस टर्म में, केमिकल सिस्टम कहा गया, केमिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी लाइफ बढ़ जा रही है। इंक्रीज द मैकेनिकल इंटेग्रिटी, यानी जो फिजिकल प्रोटेक्शन मैंने कहा वो बढ़ जा रही है, यानी जो ब्रेकडाउन टैबलेट्स का टूटना, डिसइंटीग्रेशन, यानी जो टूट रहा था वो कम हो रहा है। एलिगेंसी यानी कोटिंग करने से अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो पेशेंट एक्सेप्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मॉडिफाई किया ड्रग रिलीज को, जिसको सस्टेन रिलीज कहा गया। ठीक, साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो जाते हैं इससे। रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड इंक्रीज द पैकेजिंग रेट, यानी आप फ्रिक्शन, क्योंकि जब कोटिंग होती है
कोटिंग से एक लेयर का फॉर्मेशन होगा जिससे फ्रिक्शन, इससे क्या होता है, ये जो सरफेस है स्मूथ हो जाएगा। सरफेस स्मूथ हो जाने से टैबलेट में फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो पैकेजिंग रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इसके एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है वो देख लिया जाए। डिसएडवांटेज इसके देखा जाए क्या है, तो डिसएडवांटेज का रिलेटिवली हाई कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि अनकोटेड टैबलेट अगर हम लें और कोटेड टैबलेट्स लें, इनमें कोटेड टैबलेट की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेप हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अनकोटेड टैबलेट्स बन गया, अब इसके बाद कोटिंग करने के लिए हमें प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस हो। रिक्वायर द एक्सपर्टीज ऑफ हाई स्किल टेक्नीशियन, अब कोटिंग के लिए टेक्नीशियन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब देखें टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग की, तो जो पॉपुलर कोटिंग है वो सुगर कोटिंग और फिल्म कोटिंग। सुगर कोटिंग, ये नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें सुगर यूज करेंगे। सुगर मींस हम लोग इसमें सिंपल सिरप का यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सुगर कोटिंग। फिल्म कोटिंग में जब आएंगे तो पॉलीमर का यूज किया जाता है, और ये पॉलीमर में भी दो सिस्टम में आएंगे, नॉन एंट्रिक आएगा और एंटेरिक आएगा। ठीक, एंट्रिक है नॉन एंट्रिक में फर्क क्या है, अभी मैंने आगे इसके पहले डिस्कस किया, जो एसिड लेवल में। एंट्रिक कोटेड का मतलब है कि हम ऐसा पॉलीमर यूज करेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, पीएच पे, यानी लोअर पीएच पे ये इनसॉल्युबल होगा और हायर पीएच पे सॉल्युबल होगा, ऐसा पॉलीमर यूज करेंगे, तो ऐसे कोटिंग को बोलते हैं एंट्रिक कोटेड। और अगर हमारे जो पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी पीएच पे डिपेंड नहीं करेगी और उससे अगर यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे नॉन एंट्रिक कोटेड। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सुगर कोटिंग क्या होता है, कैसे क्या क्या स्टेप सुगर कोटिंग में यूज होते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे फिल्म कोटिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोगों ने देखा टैबलेट कोटिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हम लोगों ने देखा कि टैबलेट कोटिंग क्या है, इसका रीजन क्या है, किसकी वजह से कोटिंग कर रहे हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, और इसके टाइप ऑफ टैबलेट। तो रीजन में आपको अपीयरेंस का सिस्टम याद रखना है, टेस्ट मास्क किया ये याद रखना है, और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में आप लोगों ने देखा फिजिकल प्रोटेक्शन भी मिला हम लोगों को और केमिकल प्रोटेक्शन मिला, साथ में ड्रग का जो रिलीज है वो कंट्रोल किया, जिसमें सस्टेन रिलीज का एग्जाम्पल आ गया। इसी तरह से प्रोटेक्शन गैस्ट्रिक से भी हम लोगों ने दिया, जहां पे हम लोग कौन सी कोटिंग कर रहे हैं, एंट्रिक कोटेड कोटिंग कर रहे हैं। तो ये कोटिंग के एडवांटेज। तो उम्मीद करते हैं वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुगर कोटिंग के बारे में। तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह से फिर नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।